हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये आज ब्यूटीफुल वाइन जिसको कहते हैं फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील, इसकी केयर हम लोग देखेंगे कि कैसे करते हैं। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वाइन है और बहुत प्रिटी लगती है। चलिए देखते हैं इसकी केयर। ये ज़रूर अपने घर लेके आइए। ये छोटे छोटे कंटेनर्स में आपको बहुत चीप 40-50 रुपीज़ में एक एक कंटेनर छोटे पॉली बैग्स में मिल जाती है नर्सरी से। मैं तो इनफैक्ट दो लेके आई थी और दोनों को एक ही ये हैंगिंग पॉट में लगा दिया था। इसको लगाए हुए कुछ टाइम हो गया है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है। मैं इसका आपको लिंक भेजूंगी कि कैसे इसमें मैंने कंटेनर में लगाया था हैंगिंग बास्केट में। तो ये हैंगिंग बास्केट के लिए वन ऑफ द बेस्ट वाइन्स है जो कि कम केयर में बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। ये केयर में इसकी सिंपल बताऊंगी, आपको बहुत सिंपल लगेगी। बस दो तीन चीज़ का इनका ध्यान रखना है, बाकी तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। पेरिनियल है, थ्रू आउट द ईयर आपके पास रहता है। तो शुरू करते हैं हम लोग सिंपल केयर इसकी। इसके लिए समर्स में ये शेड लविंग प्लांट है, तो ये समर्स में इसका स्पेशल ध्यान रखना है कि इसको बहुत हीट ना मिले। पेड़ों के नीचे इसको अगर आप लगा देते हैं थोड़े दिन के लिए, स्पेशली मई जून की जब गर्मी रहती है तब, तो ये बहुत अच्छे से आपके लिए गर्मी से सरवाइव कर जाएगा और अच्छा मौसम आने पे बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। ग्रोथ का इसका पीरियड वैसे होता है थोड़ा वार्मर डेज में, बहारों के दिनों के बाद इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और ये वाइन फॉर्म में ग्रोथ होता है, तो आप इसको हैंगिंग बास्केट के अलावा एक मॉस्टिक पे भी इसको लगा सकते हैं, कंटेनर में बड़े पॉट में करीब 8 इंच के शुरू करके या मैक्सिमम 12 इंच के पॉट में इसको लगा सकते हैं। और इसकी भी वैसे ही पॉटिंग करेंगे जैसे मनी प्लांट की करते हैं, मॉस्टिक से थोड़ा दूरी पे, बहुत नज़दीक उसके नहीं लगाना है मॉस्टिक के, नहीं तो ये स्टेम स्टॉक्स जो होती हैं ये कंटिन्यूस मॉस्टिक गीली मॉस्टिक के साथ कांटेक्ट में आके ये गल जाती हैं और रॉटिंग हो जाती है इसमें। इस प्लांट में भी जैसे मनी प्लांट में ध्यान रखना पड़ता है एक्स्ट्रा वाटर का, इसमें भी वही है। तो हैंगिंग बास्केट में इसको ये एडवांटेज मिल जाता है कि बहुत ज़्यादा पानी हो तो ईजिली इसमें से ड्रेन हो जाता है। पानी ज़्यादा ना हो एकदम भी, टॉप लेयर ड्राई होने पे ही वाटरिंग करें इसको, तो उससे इसकी लीव्स भी बहुत हेल्दी और बड़ी रहेंगी। इसको एडवांटेज मिलता है हैंगिंग बास्केट में तो मिलता ही मिलता है, साथ में अगर आपने इसकी पॉटिंग सॉइल अच्छी ली है तो उससे इसको बहुत एडवांटेज मिलेगा। उसके लिए आप अगर पॉट में लगा रहे हैं तो 1/4 सैंड, 1/4 कोकोपीट, 1/4 गार्डन सॉइल और 1/4 कंपोस्ट ले सकते हैं, या काउडंग मैन्योर ले सकते हैं, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। अगर आपने हैंगिंग बास्केट में लगाया उसको लाइट करने के लिए आप सैंड मिस आउट कर सकते हैं, उसकी जगह आप लीफ मोल्ड डाल सकते हैं, थोड़ा परलाइट डाल सकते हैं ताकि इसकी इसका वजन कम रहे हैंगिंग बास्केट का। अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग इसका फर्टिलाइज कैसे करना है। इसके लिए फोलियर स्प्रे बहुत अच्छा रहता है जैसे मनी प्लांट के लिए रहता है। तो फोलियर स्प्रे आप इसको आपके पास अगर बायो एंजाइम है उसका फोलियर स्प्रे बना सकते हैं, सीवीड एक्सट्रैक्ट का बना सकते हैं, या फिर आप कॉम्पोस्ट टी का भी इसको फोलियर स्प्रे दे सकते हैं। फोलियर स्प्रे आप 15-20 डेज में एक बार दे सकते हैं, और वैसे इसको कॉम्पोस्ट टी इसके सॉइल में डाल सकते हैं महीने में एक बार, और जो लिक्विड बनाते हैं फर्टिलाइजर वो फरवरी और सितंबर में तो ज़रूर डालें। अब नेक्स्ट देखते हैं इसको प्रोपोगेट कैसे करते हैं। ये बहुत इजीली मनी प्लांट की तरह ही बाय कटिंग आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। हर नोड से ऐसे रूट्स निकलती हैं, आप ये नोड के नीचे से काटिए, रूट्स को सॉइल में डालिए और बहुत हल्की सॉइल लेके ताकि रूटिंग ईजी हो इसकी, बस इसको लगा दीजिए। पानी में भी इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं आप, इसकी प्रोपोगेशन इजीली दोनों चीज़ में हो जाती है।
आप इनफैक्ट पहले पानी में थोड़ी ग्रोथ करके इसकी रूट्स की, फिर इसको सॉइल में लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी लंबी रूट निकली हुई है। तो ये प्रोपोगेशन हो गया। इन्फेस्टेशन इसमें खास होता नहीं है। अगर आपको लगे कि कुछ मिली बग्स या कुछ लग रहे, तो आप नीम ऑयल मिक्स विथ लिक्विड सोप, ताकि इसमें इन्फेस्टेशन डील हो जाए। लोकेशन इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोकेशन के लिए आप इसको शेडी एरिया एकदम प्रोवाइड करें, क्योंकि ये शेड लविंग प्लांट है। तो पेड़ के नीचे तो मई जून में रखेंगे ही, वैसे भी इसको जब बहुत ठंड होती है तब इसको मौसम पसंद नहीं आता, फ्रॉस्ट का, ठंडी हवाओं का, तब भी आप इसको थोड़ा प्रोटेक्टेड एरिया प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर जब बाहरों का मौसम आएगा फिर खूब अच्छी इसमें ग्रोथ हो जाएगी, फिर तो आप इसको मॉर्निंग सन भी दे सकते हैं। आई होप आपको ये फिलोडेंड्रॉन ब्राजील का वीडियो अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।